देर रात अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में गोलीबारी कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 इलाजरत है। मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही के घर में अपराधियों ने घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 5 लोगों को भून दिया, जिसमें आशुतोष शाही और उनके 2 निजी बॉडीगार्ड की मौत हो गई, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर FSL की टीम पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी नेता विजय सिन्हा मृतक आशुतोष शाही के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किया और न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने घटना की उच्चस्तरीय CBI जांच की मांग की, साथ ही कहा कि जनता राज को नीतीश कुमार ने गुंडा राज बना दिया, CM और डिप्टी CM से बिहार नहीं संभल रहा है। और जो उनके परिवारों से उन्हें मिला और बातचीत हुआ, पहले से ही इनको रंगदारी मांगने की धमकी मिल रही थी। इसके पूर्व भी यहाँ इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, कई हत्याएं हुई है, और प्रशासन को जानकारी रहने के बाद भी समय पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं बनाना, आशुतोष शाही जी को सरकारी बॉडीगार्ड मिला था, ये महागठबंधन की सरकार आने के बाद इनके बॉडीगार्ड को आपस ले लिया गया, उसके बावजूद इन्होंने कई बार इसके संदर्भ में प्रशासन को सावधान भी किए, और वकील के घर पर जहां घटना घटित हुआ कई राउंड गोली चला अत्याधुनिक हथियार से। लोग बता रहे हैं कि मैगजीन बदल बदल कर गोली मारी गई। 1 घंटे के बाद पुलिस का पहुंचना ये सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा किया गया हत्या है, और सत्ता का संरक्षण खुलकर मुजफ्फरपुर में पहले से अपराधियों को मिल रहा है। आज प्राइवेट बॉडीगार्ड इनका 2-2 मारा गया, 2 लोग घायल भी हैं, और इस तरह की घटना पर प्रशासन की उदासीनता निकम्बापनी ये सरकार के कठपुतली बनकर के रह गए हैं। एक खास वर्ग को, खासकर व्यवसायी को और व्यवसाय से जुड़े लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेयर की भी हत्या हुआ, पूर्व मेयर का, इनकी हत्या है, हर दिन हत्याओं की दौर मुजफ्फरपुर के अंदर चल रहा है, और यहाँ के निकम्बे प्रशासन को सरकार पोषित करके क्यों रखे हुए है? इसके पूर्व भी सहनी समाज के लोग की हत्या हुआ था, उसमें भी हम आए थे, साफ जिस पर FIR का नाम आया था, मुख्यमंत्री और